कभी सरकारी स्कूलों की पहचान अच्छी तालीम के लिए होती थी, लेकिन अब वो अपनी ख्याति खोते नजर आ रहे हैं। ये हो भी क्यों ना, जब आए दिन शिक्षा के मंदिर अध्यापकों की आपसी जंग का अखाड़ा जो बनते जा रहे हैं। ताजा मामला सीतापुर के मदारपुर प्राथमिक विद्यालय में सामने आया है। शुक्रवार की सुबह प्रधानाध्यापिका और शिक्षा मित्र के बीच तकरार हो गई। कहा सुनी बढ़ने पर प्रधानाध्यापिका और उनके शिक्षक पति ने शिक्षा मित्र का गिरेबान पकड़कर पिटाई कर दी। इससे वहां पर अफरा तफरी मच गई। किसी तरह शिक्षा मित्र ने भाग कर अपनी जान बचाई। सूचना पर पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। महमूदाबाद के प्राथमिक विद्यालय मदारपुर में मनीषा जादौन प्रधानाध्यापिका तथा दो सहायक अध्यापक सरबत जहां व सौम्या तिवारी के साथ शिक्षा मित्र मनोज कुमार की तैनाती है। शिक्षा मित्र के अनुसार प्रधानाध्यापिका ने निरक्षर लोगों की सूची बनाने को कहा था। इस पर उसने यह सूची तैयार कर मैडम के सुपुर्द कर दी थी, लेकिन फिर अगले दिन मैडम ने उससे यह सूची बीआरसी पर जमा करने को कहा था। वो सूची लेकर बीआरसी महमूदाबाद को गया था, लेकिन कुछ अधूरे फॉर्म होने की वजह से उन्हें जमा नहीं किया गया। अधूरे फॉर्म वापस कर दिए गए। रोजाना की तरह शुक्रवार की सुबह स्कूल पहुंचकर जब शिक्षा मित्र मनोज ने अधूरे फॉर्म प्रधानाध्यापिका को वापस किए तो वह आग बबूला हो उठी। फिर दोनों में कहासुनी शुरू हो गई। इसी बीच प्रधानाध्यापिका मनीषा और पहला ब्लॉक में बतौर सहायक अध्यापक उनके पति गौरव ने उसका गिरेबान पकड़ लिया और उसकी जमकर पिटाई कर दी। इससे विद्यालय में भगदड़ मच गई। विद्यालय परिसर में टायर लगा रहे मजदूरों ने किसी तरह उसे छुड़वाया। मारपीट में मनोज कुमार की शर्ट पूरी तरह फट गई। इस पर पीड़ित शिक्षा मित्र ने 112 तथा उच्च अधिकारियों को फोन कर मामले से अवगत कराया। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस मामले की तफ्तीश में जुट गई है। इस वक्त हम मौजूद हैं विकास खंड महमूदाबाद के प्राथमिक विद्यालय मदारपुर में। यहां पर इंचार्ज अध्यापिका और शिक्षा मित्र के बीच में कुछ कहा सुनी हो गई, और कहा सुनी इतनी बढ़ गई बातों ही बातों में कि जो शिक्षा का मंदिर है वह अखाड़े में तब्दील हो गया। बात क्या थी, मामला क्या हुआ, इस बात की तहकीकात करने के लिए हमारे साथ शिक्षा मित्र, विद्यालय के शिक्षा मित्र मौजूद हैं। हम उनसे बात करेंगे। मैं मनोज कुमार, शिक्षा मित्र प्राथमिक विद्यालय मदारपुर। आज सुबह जब मैं विद्यालय आया, अपने हस्ताक्षर किए रजिस्टर पे, और इसके बाद अपने शिक्षण कार्य में लग गया। उसके बाद मारपीट कैसे हुआ? मारपीट इसलिए हुआ कि कल जो है साक्षर और निरक्षर की सूची देनी थी, वो सूची मुझसे बताई गई। मैं गांव जा कर के लोगों के आधार लिए, निरक्षरों के आधार लिए। इसके बाद में आया जब तो केवल लिस्ट बना के मैडम लिस्ट बना के दी, और मैडम ने उस पर हस्ताक्षर किए, मोहर की, और कहा कि बीआरसी जमा कर दो जा करके। बीआरसी जमा करने गए तो उसमें फार्म नहीं लगा था, और फार्म नहीं लगा था इसलिए बीआरसी से वापस कर दिया गया। जब यहाँ आए बताए कि मैडम ऐसा ऐसा मामला था, तो कहा कि फार्म जो है आप ले करके और वहाँ भर करके जमा कर देते, तो हमने कहा कि शाम हो जाती। और इसी बात को लेकर के उनके पति और मैडम ने, दोनों लोगों ने ला करके विवाद किया, और उनके पति ने पकड़ लिया, मैडम ने मारा। तो मारपीट इतना हुआ कि आपका पैंट, और ये देख लीजिए, पीछे से देख लीजिए, तो उनके जो हस्बैंड हैं वो भी यहाँ पे वो भी हैं। यहाँ कार्यरत नहीं है, वो पहला ब्लॉक में है, ये महमूदाबाद ब्लॉक पड़ता है, और वो अपने विद्यालय नहीं जाते हैं, आए दिन ही बैठे रहते हैं और यहाँ बवाल किया करते हैं। क्या नाम है आपका? सरबत। विद्यालय में कितने दिनों से हैं? मेरा पाँचवा साल चलना अच्छा, ये बताइए आज आपके विद्यालय में क्या हुआ? आज सुबह जब हम आए तो विद्यालय कार्य को लेकर मनोज कुमार शिक्षा मित्र हैं, उनसे इंचार्ज मैडम मनीषा जादौन और उनके हस्बैंड हैं गौरव सिंह, दोनों से कहा सुनी होने लगी विद्यालय कार्य को लेकर। फिर एकदम से मैडम तैश में आ गई और आके तमाचा जड़ दिया मनोज कुमार को, डाल दिया, फिर सिर के बाल पकड़ लिए और ये गला दबा दिया, और फिर एकदम से दोनों ने इनको जकड़ लिया। किसी तरह मनोज कुमार छोड़ा के गए, एक बांस का टुकड़ा लेके आए, लेकिन वो मार नहीं पाए, इससे पहले उन लोगों ने इनको जकड़े रखा। तो
यह देखा गया कि शिक्षा मित्र और जो प्रधान अध्यापिका हैं मनीषा जादौन, इनके बीच में निरक्षर सूची बनाने को लेकर के कुछ बात चल रही थी। शिक्षा मित्र ने निरक्षर सूची बनाई और उसके बाद वह BRC महमूदाबाद पर जमा करने के लिए भी गए, लेकिन कुछ फॉर्म जो थे वो इनकम्प्लीट थे और वह फॉर्म BRC से वापस कर दिए गए, जो शिक्षा मित्र आज उस इंचार्ज अध्यापिका को देने के लिए वापस लेकर आए थे। इस पर जो मैम का पारा था वो शिक्षा मित्र के ऊपर चढ़ गया और कहा सुनी इतनी बढ़ गई कि मामला विद्यालय जो था वह एक अखाड़े के रूप में तब्दील हो गया। दोनों में मारपीट शुरू हो गई। अध्यापिका ने शिक्षा मित्र का कॉलर पकड़ा, उनका गिरेबा पकड़ा और शर्ट भी उनका फट गया। बताया जा रहा है मारपीट में जो प्रधानाध्यापिका हैं इनके पति, जो कि पहला विकास खंड के किसी विद्यालय में सहायक अध्यापक के पद पर कार्य करते हैं, लेकिन मारपीट जब हो रहा था तो वो भी यहाँ पर मौजूद थे और मारपीट में पूरी तरीके से इन्वॉल्व थे। फिलहाल सहायक अध्यापिका, उन्होंने भी मारपीट का जिक्र किया है और एक विद्यालय के अंदर जहाँ पर कक्षाएं चल रही हों वहाँ पर अध्यापक और अध्यापिका में मारपीट होना कितना शर्मनाक है। आई इंडिया के लिए पहला से जितेंद्र कुमार।